हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक गॉट वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तेजी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मेरे चैनल की सबसे पहले देखने मिले। माशाल्लाह से भाई, आज जो अपडेट है एक बहुत ही अलग चीज़ है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको मालूम पड़े भाई लोगों की मोहब्बत, लोगों की कुर्बानी कैसी नजर आती है। भाई इतने देर से ये बकरे का काफ़ी लोगों को इंतजार था, आज ये वीडियो बन रही है सभी व्यूवर्स के लिए। क्या भाई, लोग जानना चाहते थे भाई मिर्ज़ा क्या है। सुगल भाई के पास काफी सारे कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे भाई मिर्जा क्या है, पर्सनल में काफी जगह इंस्टा पे सब जगह पूछ रहे थे भाई ये क्या चीज है भाई जो इतना छुपा के रखा गया है। तो सब कुछ जानने मिलेगा, सब कुछ को आपको हर एक चीज जो ये बकरे का इतिहास है, हिस्ट्री, सब कुछ जानने के लिए मिले। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखे और देखे भाई बकरे की खासियत क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज का हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे भाई, जी भाई, तुमसे ज्यादा अहम तो मेरे को लग रहा है भाई, ये बकरे का जिसने देखभाल किया है उसका लेना मुझे जरूरी है उनका ही बनता है भाई। है ना, हाँ जी क्योंकि भाई, ये बकरा जिसके हाथ से भाई तैयार हुआ है जी भाई, वो ज्यादा दिखना जरूरी है। जी 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 तो मिलते भाई बकरे को जो पाला है, बकरे का जो असल मालिक है, असल हकदार है ना भाई, जिसने इसको जीरो से हीरो तक का सफर इसका जो तय हुआ है सब कुछ देखते, तो जिसको जिसने इस बकरे की देखभाल की है उनसे ही मिलते। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाई भाभी, ये जो हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, काफी लोगों ने पूछा था ये आपके बकरे को, आपको भी काफी लोग मैसेज करते हैं कि ये बकरा क्या है, देना है, पालना है, क्या चीज है, तो थोड़ा बताइए ये बकरा कहाँ से आया था, कितना था आपके पास, इतना सफर कैसे तय हुआ इसका? 3 महीने का था ये, लगभग मेरे पास आया था। 3 महीने का था। हाँ, 3 महीने से आज माशाल्लाह 6 दांत पे है बच्चा, 6 दांत का हो गया है। 2 साल का है मेरे पास। तो ये 3 महीने मतलब कैसा, मतलब छोटा सा एकदम बच्चा ही था, दूध पीता टाइप? छोटा, हाँ, दूध पीता था तभी जब लाए थे। दूध पीता था। आज मैं इस बकरे को दिखा दूं भाई, सबसे पहले ये बकरा आज बैठा हुआ है, इसकी इंशाल्लाह मैं बचपन की वीडियो भी डालूंगा, इसका जो छोटा छोटा सफर तय हुआ है, कुछ फोटोज वगैरह भी है आपको इंशाल्लाह भाई क्लिप्स या फोटो में दिखा दूंगा कि इसने अपना सफर कैसा तय किया है भाई। आज ये बकरा जिस मुकाम पे ना माशाल्लाह है, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, मैं जो कि देख रहा हूँ सुल भाई, ये बकरा है ना वन ऑफ द बेस्ट बोर है मुंबई में। इंशाल्लाह 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 भाई, वन ऑफ द बेस्ट बोर है। अच्छे अच्छे लोग आके गए सोहेल भाई, इससे बड़ा बोर नहीं देखे, हालांकि किसको दिखाते भी नहीं थे हाँ। मोस्टली जैसे जाते तो वक्त किसी की नजर पड़ जाती तो देख लेते थे, तो माशाल्लाह 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 भाई, तो ये बकरे का नाम है माशाल्लाह से भाई मिर्जा मिर्जा, मिर्जा भाई बहुत छोटा बच्चा आया जी था भाई, भाई बहुत है छोटा आया था भाई। एक इसका वेट होगा, जब मेरे घर पे आया था ये जी भाई, कुछ 20-21 केजी पे होगा भाई, 20-21 केजी पे बीस था इक्कीस के जी पे होगा बच्चा। आज माशाल्लाह भाई तोला हूँ मैं, ठीक हाँ है, मैं वीडियो रहेगी तो मैं बता दूंगा भाई आपको। माशाल्लाह भाई बहुत उम्दा है। पहली बार तोला है भाई, और पहली बार चैनल पे शूट हो रहा है इतना बड़ा होने के बाद। अदंता जब शूट हुआ था भाई, अदंता जब बच्चा था 6-7 महीने बच्चा का, था 6-7 महीने का हुआ था जब शूट हुआ था, उसके अलावा पहली बार शूट हो रहा है भाई। बाकी ये माशाल्लाह मैं बच्चा देख रहा हूँ भाई, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह, जनरेशन का बच्चा नहीं था ये, जनरेशन का नहीं था, हाफ स्टड था भाई, हाफ स्टड बोल सेमी के स्टड दिए बोल दी थे, पब्लिक। सेमी स्टड बोल के दिए थे, हाँ भाई बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई स्टड को खा लेगा भाई ऑन साइट। माशाल्लाह भाई, क्योंकि इसको इसकी फीडिंग वगैरह दी गई है तो मैं जानता हूँ। भाभी इसको खिलाते क्या थे अपन, क्या ये बकरा ये मुकाम था भाई, जो नॉर्मल सब खाते वही वो खाता है। क्या जैसे कि लोग अभी क्या है गेहूं वगैरह मक्का वगैरह खिलाते हैं, हाँ गेहूं, और उसको चना पसंद है, ये दो चीज पसंद है दो ही इसको चीज खाने में, पसंद है। और पत्ता खाता है रबर का, ये 3 के सिवा कोई चीज नहीं। माशाल्लाह भाई, बाकी ये बकरा जिस तरीके से बैठा है ना भाई, लोगों की मोहब्बत है, इसको मैं क्या ही बताऊँ। इसकी चलान वगैरह की अगर मेरे को वीडियो मिल जाएगी तो इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा कहीं ना इंशाल्लाह कहीं। इंशाल्लाह अभी नीचे उतरने वाला भाई है, हमारे छोटे भाई का है, जी भाई हमारे छोटे भाई का भाई है जी, ये, इंशाल्लाह अभी उतरेगा, उनके घर पे जाने वाला, आज रवानगी है भाई की 2 साल के बाद। माशाल्लाह भाई, तो बहुत ही इतना अच्छा फेस बनाया ये बकरे ने जी भाई, भाई प्रॉपर, सिंगार इतने प्रॉपर है, कहीं से भी टूटे वगैरह कहीं नहीं से है। टूटे नहीं है, और कहीं टच भी नहीं है, अगर टच होते थे तो फिर उस पे मेहनत होती थी, अभी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से टच भी नहीं है, गर्दन वगैरह पूरी क्लीन है भाई। इतनी ताकत से माशाल्लाह भाई, काफी लोग तो आपको कॉल वगैरह भी करते हो भाई, जी भाई ब्रीडिंग कराना है जी जी या जी आपको जी जी बेचना है? नहीं, कोई बेचना नहीं था, कुर्बानी की नीयत छोटे भाई की थी पहले जी से, भाई पहले से छोटे भाई की बचपन में लिया था, हाँ तो बीच में एक बार सेल के लिए डाला था भाई, फिर हाँ उसके बाद मैं जो नीयत करा है भाई, अभी 2 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर भी मेरे पास किंग था, एक छोटे भाई का ही था, जी भाई, लास्ट ईयर भी किंग था, अभी ये मिर्जा है।
तो अपन फीडिंग में कैल्शियम वैल्शियम की कमी कभी किए ही नहीं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कमी नहीं किए, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं जानवर भाई, जैसे कमी करेंगे भाई। माशाल्लाह धूप वगैरह इसने देखा है कि नहीं कभी अपनी लाइफ में? भाई जब नीचे रूम में था ना मैं, जी जो नीचे रूम में था तो वही देखा, उसके अलावा ये खिड़की से धूप आती है हाँ, तो धूप खाने खड़ा होता था बस। तो माशाल्लाह भाई ये बकरे को मैंने सुना है भाई आपने एसी में ही रखे हो? एसी में ही रखा होगा बचपन से। मैं दिखा देता हूँ सभी व्यूअर्स को, भाई देखो एसी लगी और ये बकरे के लिए खास लगी है। आपके आपको भी मालूम है अभी एक 20-25 दिन पहले एसी खराब हो गई थी जी भाई, दो रात सोया नहीं था भाई। मतलब बकरे से इतनी मोहब्बत है भाई, इतना अजीजी है बकरे के लिए। क्या माशी ने एसी लगाया था भाई रात में कुछ 11:30-12 बजे, तो उसी दिन लगवाया। एक बकरा मतलब एक बकरा इतना अजीज है, इसकी कुर्बानी माशाल्लाह से ऐसी है, इसका मुकद्दर माशाल्लाह ऐसा है कि भाई एक जानवर के लिए इसको थोड़ा सा हाफना क्या लग गया, गर्म हो गया तो ये बकरे को एसी लगा दिए। माशाल्लाह भाई क्वालिटी थी। बाकी है भाई सुहेल भाई, इसके बाद तो लोगों काफी लोग की डिमांड बढ़ गई होगी क्या बोर वगैरह मांगे? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई बोर मांगते ही है लोग मुझसे जी भाई, जैसा भी लेंगे ना भाई हाँ, ऐसा पैसा देना पड़ता है जी। ये हालांकि अपने को छोटे भाई को पड़ा था कुछ 1000 रुपए केजी पड़ गया था भाई। माशाल्लाह भाई 1000 रुपए केजी पड़ गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई नाम बना के देगा बच्चा। अब मैं इसकी चलने फिरने की नीचे वीडियो बनेगी ना तो इंशाल्लाह भाई देता हूँ भाई। बाकी ऐसा बच्चा माशाल्लाह भाई बनाना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, फुल फिटिंग में भाई। अभी ये कपड़ा पहने हुए है हाँ, कपड़ा पहना हुआ है, कपड़ा खोल दूंगा फुल फिटिंग में भाई, बच्चा कहीं से भी लूज नहीं है माशाल्लाह। फिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है बकरे की माशाल्लाह से भाई, इम्पोर्टेंट है भाई और पूरी करता है जी भाई। बाकी मेरी वाइफ और तुम्हारी भाभी से और अल्फिया से कुछ भी नहीं करता माशाल्लाह भाई। इतने इतने बच्चे आ गए ऐसा देखने के लिए। सोल भाई की बेटी वगैरह कुछ बोलना चाहिए क्या? कैसा वाली हासिल खिलाती थी माशाल्लाह भाई। बच्चे भी काफी उदास हो गए क्या? बकरे का अब जाने का वक्त आ गया है, बहुत ही अजीज बकरा था ये लोगों का माशाल्लाह भाई। इसकी बचपन की क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा, इसके भी जो जवानी की चलान है ना वो भी मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि 2 साल के बाद ये बकरा अपनी जगह से हिल रहा है। अब रोडों पे कैसा प्रेजेंस है इसका वो तो मालूम पड़ेगा भाई, कितनी पब्लिक इसको देखना चाहती है इसकी क्लिप वगैरह। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है ना भाई, ऐसी कुर्बानी ये देखिए भाई माशाल्लाह से भाई, माशाल्लाह भाई फिटिंग देखिए बकरे की, फुल फिटिंग चाहिए। कपड़ा हटा दो, ये हटाओ, चले मिचू ए बाबा आओ 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 आओ। ये देखिए भाई माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सिंगार वगैरह क्या है भाई बकरे के, माशाल्लाह भाई सब चीज प्रॉपर भाई। एक बच्चे को जितना ध्यान देते ना उससे ज्यादा ध्यान, ने बच्चे की तरह ही पाले हुए। बच्चा बोल सकता है भाई, ये बोल नहीं सकता माशाल्लाह, सही बात है भाई। ध्यान भाई मेरी का बहुत जबरदस्त पला हुआ, हाथों से पला हुआ, भराई का तो नहीं है ना भाई? नहीं भाई भराई का है ही नहीं, सेल्फ फेडेड है भाई, सेल्फ फेडेड बच्चा है माशाल्लाह भाई। ऐसा बकरा बनने के लिए इतना वक्त लगता ही है जी भाई, 2 साल लगता ही है कम से कम भाई, 20 से सफर तय करना 100 kg के प्लस तो 2 साल लगता ही है। तो बाकी सब कुछ तो सोहेल भाई ने बात बता दी है भाई, बाकी बकरा एक दिखा देता हूँ, खड़ा हो ही गया है, इसके ऊपर से कपड़ा वगैरह सब कुछ हटाई गया है माशाल्लाह से भाई। ये देख लीजिए बकरा क्या दिखाई दे रहा है माशाल्लाह, ये देखिए भाई माशाल्लाह भाई, ये देखिए बच्चों पे कभी इसने सिंग वगैरह फिराया नहीं ना भाभी? माशाल्लाह भाई ऐसा साइज है क्या? मेरा कैमरे की स्क्रीन वगैरह भी छोटी पड़ जाएगी, इतना यूज है ये बकरा सिंगार वगैरह का, इतना बड़ा इसकी थाप वगैरह देखे जाए कोई मानेगा ही नहीं भाई, सेमी स्टर्ड लाइन की क्वालिटी का बकरा है, इतनी अच्छी तैयारी पे तैयार हुआ है ना माशाल्लाह भाई, क्या लोगों को अगर शो के लिए भी अगर खड़ा कर दे कंपटीशन में तो अच्छे अच्छे बकरे को टक्कर दे देगा, बहुत भारी चीज है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारा जानवर है माशाल्लाह भाई। और कुछ बताना चाहोगे भाभी इसके बारे में? अभी ये बकरा जा रहा है, इसका आखिरी वक्त आ गया है, कैसा लग रहा है मतलब ये बकरा इतना 2 साल पाल के भाई? वापिस से छोटे भाई ने ना भाई एक और बोर ले लिए, उसका नाम भी इंशाल्लाह मिर्जा ही रहेगा, इंशाल्लाह वो भी शूट करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए जरूर रखेंगे। तो बाकी देख लीजिए भाई ऐसी चीज ऐसे सिंगार में आना पॉसिबल नहीं है, लोगों की कुर्बानी है भाई इस जानवर के पीछे बहुत अहम है भाई, क्योंकि मैंने इसका पहला एक वीडियो बनाया था, छोटे से लेके यहाँ तक का इसका सफर बहुत लंबा रहा है, कभी किसी के ऊपर सिंगार वगैरह फिराया नहीं है, बहुत शानदार बच्चा था माशाल्लाह। वीडियो तो मैं बाद में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, बाकी चीज आप लोग देख लीजिए भाई, एक बार नज़ारा देख लीजिए बच्चे का, बहुत जबरदस्त बच्चा था माशाल्लाह भाई।
तो ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मेरे चैनल की सबसे पहले देखने मिले। तो ये माशाल्लाह बकरे की बाहर चलने की वीडियो है जो कि मैंने ऐड कर दिया आप सभी भाइयों के लिए। बाकी फिटिंग वगैरह में देख सकते हो आप सभी भाई, इसको जिस तरीके से पाला गया ना भाई, बहुत ही लाजवाब है, काफ़ी उम्दा है। इस बकरे से मोहब्बत देख लो भाई, बकरा क्या खाता था क्या पीता था आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। लोग कैसा शौक करते अपने घर में जानवरों के साथ, इतनी मोहब्बत इतना लगाव, जानवर भी इंसानों को पसंद करता था माशाल्लाह। ये देखिए भाई, जब ये बच्चा जहाँ से आया है वहाँ की कुछ क्लिप्स वगैरह है जो कि मुझे मिली, तो मैं इंशाल्लाह सोचा कि आप लोगों के लिए ऐड कर दूँ। ये सब जो बच्चे होते हैं ना माशाल्लाह भाई, बहुत ही उम्दा बने। सिर्फ बोर ही नहीं, काफ़ी ब्रीड होती है, पालने वाले के ऊपर भी होता है कैसे वो पालना चाहता है। माशाल्लाह भाई, ये जंगल से आने के बाद फिर उनके घर पे सेट करना, सब कुछ करना, 3 महीने का, फिर 7 महीने का बच्चा कैसे बना, फिर 2 दांत, फिर उसके एट प्रेजेंट कंडीशन। अगर आप लोगों को बच्चे भी चाहिए होगे ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप सोलवा से बच्चा वगैरह ले सकते हो भाई। तो बताइएगा वीडियो कैसे लगे आप लोगों को।